आज मैं आप सभी के समक्ष छात्रों में घटते मानवीय मूल्य पर चर्चा करने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। सुप्रभात, मेरा नाम शांति नरूला है। आप सभी ने तो कबीर दास जी का यह प्रसिद्ध दोहा सुना ही होगा, परंतु क्या आप इस दोहे का अर्थ जानते हैं? इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी यह कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को सदैव अपनी वाणी मधुर और मीठी बोलनी चाहिए, जिसे सुनकर लोगों को प्रसन्नता हो। हमें कभी भी उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिन्हें सुनकर हमें एवं दूसरों को दुखदाय महसूस हो, क्योंकि एक अच्छे मनुष्य की पहचान उसकी वाणी से ही होती है। दया, करुणा, सहानुभूति और परोपकार है अपेक्षित मनुष्य के यही मूल्य व्यवहार। सत्य, अहिंसा, प्रेम, सौहार्द, अनुशासन पालन आदि गुणों को अपनाना ही तो मानवीय मूल्य का वरण है। सभी प्राणियों में ईश्वर का नूर देखना, न्याय पथ पर चलना, शिष्टाचार का पालन करना आदि कुछ ऐसे गुण हैं जिनका वर्णन प्रत्येक धर्म ग्रंथ में किया गया है। धर्म प्रवर्तकों और महान पुरुषों से भी हम लोगों को मानवीय मूल्यों को अपनाने की सीख मिली है। श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, मदर टेरेसा, गांधी जी आदि सभी ने प्राणी मात्र से प्रेम करने की शिक्षा दी है। जियो और जीने दो, पर्यावरण की रक्षा करो, अहिंसा परम धर्म है आदि धर्मों के कुछ ऐसी सुक्ति वाक्य हैं जो हमें अग्रसर निरंतर सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। आज के जमाने में भौतिकता का बोलबाला है। भौतिक उन्नति के कारण मनुष्य ने मानवीय मूल्य को ताक पर रख दिया है। परिणाम स्वरूप समाज में भ्रष्टाचार, आतंक बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षण संस्थानों में मानवीय मूल्यों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करना चाहिए, और न केवल इतना ही, शिक्षक वर्ग को भी अपने अंदर मानवीय मूल्य को अपनाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की संगत का सीधा प्रभाव हम छात्रों पर पड़ता है। आइए विश्लेषण करें, छात्रों पर पड़े प्रभाव से उन्हें क्या हानि पहुंची। पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी के कारण हम सभी छात्रों को अपनी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम के द्वारा करनी पड़ी। इन 2 सालों में छात्रों के रहन सहन का तरीका, पढ़ने लिखने का, अध्यापक अध्यापिकाओं से बात करने का तरीका आदि सब कुछ बदल चुका है। इन 2 सालों में ऐसी कई नई नई चीजों का भी प्रचलन चला जिनसे न केवल मानसिक रूप से परंतु शारीरिक रूप से भी छात्रों को बहुत हानि पहुंची। आजकल तो छात्र घर पे बैठे बैठे ही अपने सभी कार्य ऑनलाइन करना पसंद करते हैं। अगर छात्र बाहर खेलेंगे कूदेंगे नहीं, अपने बड़े बूढ़ों की सहायता नहीं करेंगे, एक दूसरे से वार्तालाप नहीं करेंगे, तो अवश्य ही उनमें मानवीय मूल्य घटेंगे। इन सब के चलते अब एक ऐसी स्थिति आ खड़ी हुई है कि अगर अभी छात्रों में मानवीय मूल्य नहीं जागृत किए गए, तो अवश्य ही आने वाले भविष्य में उनको अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अभी से शिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करना चाहिए, जिसमें उन्हें छात्रों को एक दूसरे से कैसे प्रेम से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे की सहायता करना और मानवीय मूल्य का महत्व के बारे में बताया जाना चाहिए। और ये हम सबसे अकेले के लिए काफी नहीं है, परंतु हम सबके घर में सभी सदस्यों को, विद्यालयों में अध्यापक अध्यापिकाओं के संगठन से ही संभव है। बड़े बूढ़ों का तो यह है कहना, मानवीय मूल्य ही है मनुष्य का सबसे बड़ा गहना। धन्यवाद।